आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 10 213 सामाजिक साइंस यानी सोशल साइंस का सबक नंबर 23। अगर आपको इसके नोट्स, TMA, प्रैक्टिकल असाइनमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो NIOS में उर्दू के रिगार्डिंग है, हेल्प बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको अपने एड्रेस पर मिल जाएंगे और ऑनलाइन PDF की शक्ल में भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं हमारे यहाँ, एडमिशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस भी जमा होती है इग्नू और NIOS। पायदार, पहला सवाल है पायदार तरक्की क्या है, ये हिंदुस्तानी ST जमहूरियत को कैसे तकवीत दे सकता है। तो पायदारी तरक्की वसाइल के इस्तेमाल की ऐसी नकल है जिसका मकसद माहौल को महफूज रखते हुए इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करना। पायदारी तरक्की का मतलब ये है कि जो वसाइल हैं उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उससे माहौल यानी इन्वायरमेंट ख़राब ना हो और इंसानों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाए। ना सिर्फ आज की ज़रूरत को पूरा करना बल्कि आने वाली नस्लों की ज़रूरत का पूरा करना ज़रूरी है। सिर्फ ये ना हो कि आज की ज़रूरत पूरी हो, मतलब आने वाली नस्लों की भी ज़रूरत क्या हो जाए, पूरी हो जाए। इसको कहते हैं पायदार तरक्की। अगर तरक्की को इंसानों पर मरकूज करना है और तमाम लोगों को मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो उसे गुर्बत, जहालत और इम्तियाजी सलूक बीमारी उसको बेहतर बनाना और उसे गुर्बत, जहालत और बेरोज़गारी के खात्मे पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो है इंसान को मेयारी ज़िंदगी दें तो उसे गुर्बत यानी गरीबी से निकालना होगा, जहालत यानी उसे इल्म की रोशनी की तरफ लाना होगा, इम्तियाजी सलूक यानी उसके साथ भेदभाव ख़त्म करना होगा, बीमारी पर काबू करना होगा और बेरोज़गारी का खात्मा करना होगा। इन सब चीज़ों का जब हम तवज्जो देंगे तो हमारा मुल्क पायदारी तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा, यही पायदारी तरक्की कहलाती है। इसके बाद अगला सवाल है जमहूरी अमल में शहरियों को शिरकत से आप क्या समझते हैं। शहरियों की शिरकत का मतलब होता है जिसमें जो हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो किस तरह हिस्सा लेते हैं। तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो वो वोट डाल के हिस्सा लेते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होकर हिस्सा लेते हैं, वो सरकारी जॉब हासिल करके हिस्सा लेते हैं, वो सोसाइटी के रुकन बन के हिस्सा लेते हैं, वो मजदूरी करके हिस्सा लेते हैं, वो ताजिर बन के हिस्सा लेते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसकी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है। तो जमहूरी सियासी निज़ाम में शहरियों की शिरकत सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लेने तक महदूद नहीं, शिरकत की एक बड़ी शक्ल सियासी जमातों की रुकनियत है, यानी वो किसी सियासी पार्टी के लीडर बन जाए, जैसे पार्टीज़ होती हैं अलग अलग, उनमें जैसे वो MLA MP बन गए तो ये शहरियों की शिरकत कहलाएगी। और ज़्यादा अहम बात यह है कि आज़ाद गैर सरकारी तंजीमों के फ़ाल रुकनियत जो सिविल सोसाइटी के नाम से मशहूर है, ये तंजीमें ख़वातीन, तालिब इल्मों, किसानों, मजदूरों, डॉक्टरों, साथियों, ताजरों, मजहबी अकीदों और इंसानी हकूक के कारकुनों जैसे ग्रोह के मफादात की नुमाइंदगी करती है। दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए कौन से अहम इस्लाही इकदाम ज़रूरी हैं। यानी जो हिंदुस्तान है जमहूरियत के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए कौन से अहम इस्लाही इकदाम ज़रूरी हैं, मतलब क्या क्या जो है इकदाम उठाना ज़रूरी है। तो हिंदुस्तानी जमहूरियत के चैलेंजों के मुकाबले के लिए कुछ इस्लाही इकदाम करना की ज़रूरी है। पहला है कि इस तरह के इस्लाही इकदाम को आलमगीर खानगी यानी सबके लिए तालीम, गुर्बत के खात्मे, ठीक है, और जिनफी का इम्तियाज़ के खात्मे, ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या करेंगे इस्लाही इकदाम, यानी तालीम सबको दी जाए, गरीबी का खात्मा की जाए और इलाके अदम तवाजुन का खात्मा। इलाका अदम तवाजुन का खात्मा का मतलब ये है, इसे समझ लीजिएगा ये वाले पॉइंट को, इलाका अदम तवाजुन का खात्मा ये है कि हर इलाके एक जैसे नज़र आए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप आएँ यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, मेट्रो भी है, रेल भी है, बस भी है, लाइट भी है, पानी भी है, दुकानें भी हैं, हर चीज़ दस्तियाब है, अस्पताल भी है, सब चीज़ें, तालीम का अच्छा इंतज़ाम भी है। लेकिन अगर आप जो है किसी गांव में चले जाएँ तो वहाँ पे ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, तो ये अदम तवाज़ुन है, इस चीज़ का खात्मा होना चाहिए। सब जगह एक जैसा होगा जब भी भारत तरक्की करेगा। इंतज़ामी और अदालती इस्लाहात और पायदार इक्तिसादी, समाजी और माहौलियाती तरक्की जैसे वसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। और इंतज़ामी अदालती इस्लाहात में अदालती इस्लाहात में अदालत में जो जो कमियाँ हैं उसको दूर करें। पायदार इक्तिसादी और पायदार इक्तिसादी समाजी और माहौलियात, मतलब जो बिजनेस हो पायदार हो, ऐसा नहीं आज हुआ कल ख़त्म, पायदार मतलब परमानेंट। अगला सवाल है, एक शख्स को सही माने में हिंदुस्तानी शहरी होने के लिए किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए। अगर एक कोई आदमी है वो अपने आप को कहता है मैं हिंदुस्तान का बाइज़्ज़त शहरी हूँ,
तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी बिना पर हम कह सकें कि भाई हाँ ये वाकई जो है हिंदुस्तान का शहरी है और इसे हम कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के शहरी। तो एक हिंदुस्तानी शहरी में 10 जेल खसूसियात होनी चाहिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। पहला आला अखलाकी किरदार, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके एटिकेट्स हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। बातचीत करने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, उससे लोग अट्रैक्ट हों, अपने फ़राइज़ के बारे में बाशऊर और वफादार, और जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे अमल करें, उन पे सख्ती से अमल करने वाला हो, ईमानदार बने और दयानतदारी के साथ मुल्क के कानून की पैरवी, और ईमानदार हो, उसके अंदर करप्शन ना हो, ठीक है, और दयानतदारी के साथ जो है मुल्क की कानून की और कानून को माने, हुक्मरानी के अमल में हिस्सेदार बने, और जो हुक्मरानी कर रहे हैं उसमें हिस्सेदार बने, उनका साथ दे, खुद गर्जी से ऊपर उठकर मुल्क की मफाद के लिए, और सेल्फिश नहीं बनना, खुद गर्ज नहीं बनना, उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मुल्क के मफाद के लिए सोचना है कि मुल्क किस तरह है। नज़्म व ज़ब्त में रहें और जज्बात पर काबू, और नज़्म व ज़ब्त में रहें, रूटीन में रहें और जज्बात पर अपने काबू रखें। जब आप ये सारे 6 अमल कर लेंगे तो सही मानों में हिंदुस्तानी शहरी बनने के लायक हो जाएंगे। इसके बाद 5वां सवाल है, जमहूरियत की 2 ज़रूरी शराइत बयान करें। जो जमहूरियत की जो ज़रूरी शराइत हैं दो, वो कौन कौन सी? जमहूरियत की 2 शर्तें हैं, इफाक़ी और लाजमी तालीम के मौके तमाम शहरियों के लिए दस्ताब होने चाहिए। जो हिंदुस्तान के सारे शहरी हैं उनको तालीम के मौके बराबर दिए जाएँ। सियासी शिरकत के मौके तमाम शहरियों को ना सिर्फ बाकायदगी से इंतखाबात में बल्कि सियासी अमल के दीगर इकदाम में भी दस्तियाब हों, उनको सियासी अमल में भी क्या करने चाहिए, इकदाम में भी दस्तियाब हों। पांदगी मुहिम क्या है, पांदगी मुहिम की सही है, पांदगी कौमी पांदगी मिशन 1988 में शुरू हुआ, कौमी पांदगी मिशन कब शुरू हुआ, 1988। इस मिशन का मकसद जो है, पांदगी कहते हैं पढ़े लिखे को, पांदगी और ना पांदा कहते हैं अनपढ़, तो ये एक मुहिम चलाई गई जिसमें लोगों को पढ़ने की तरफ रुझान किया गया। तो क्या था ये, 1988 में शुरू हुआ था, इस मिशन का जो मकसद था वो था 15 से 35 साल की उम्र के 10 करोड़ लोगों को नाकवानगी को एक मुकर्रर वक्त में कम कीमत पर दूर करना, यानी जो अनपढ़ है वो 10 से 35 साल के बीच के लोगों को पढ़ा लिखा करना है, और जो है कम कीमत पे और जल्द से जल्द। खानगी की मुहिम के मरकज़ में सीखने वाले खुद की तरक्की है, और खानगी जो ख़त्म होगी तो भाई उससे खुद का फ़ायदा होगा। खानगी की इस तरक्की के दूसरे मरहले में पोस्ट लिटरेंस मुहिम शुरू की गई, पोस्ट लिटरेसी मुहिम शुरू हुई। तालीम बालगा का मकसद मुसलसल तालीमी प्रोग्रामों के जरिए एक तालीम याफ्ता माशरा तश्कील देना था, और इसका मकसद ही यही था इसका बनाने का कि इसके ज़रिए जो है एक तालीमी माशरा क्या हो, वजूद में आए, और जो है देश पढ़ा लिखा होगा तो ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। तो ये सबक नंबर 23 के अंदर सवालात थे जो कि मैंने आपको समझाए और बताया कि भाई इसके अंदर ये सारे जो है सवालात आ रहे हैं सबक नंबर 23 में, और ये मैंने पूरे समझा दिए। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आई है थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और उस तक पहुँचा देना जिस बच्चों को इस चीज़ वक्त इसकी ज़रूरत है, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको इसकी PDF असाइनमेंट नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि डेली अपडेट्स जो आती हैं वो मिलती रहें।